बनाएंगे बेसन वाला पपीता। इसके लिए हमने ये कच्चा पपीता छील के इस तरह से काट लिया है, इस तरह से बारीक बारीक पीस में काट लिया है इसे। ये देखिए, दो टेबलस्पून बेसन में एक चम्मच सरसों का तेल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तेल आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, हमने सरसों का तेल लिया है। एक कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा दिया है, एक टेबलस्पून तेल चढ़ाया है। तेल को गर्म होने दें। इसमें ये आधी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, राई हो चुकी है, 4 से 5 हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई, थोड़े करी पत्ते, अब इसमें डालेंगे ये कटा हुआ पपीता। पपीता डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करें। एक पपीता लिया था हमने, इसमें ये हल्दी पाउडर डाल दें, या आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, करीब आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डाल के इसे मिक्स करें। हल्दी पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लिया है। हरी मिर्च डाली है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, बेसन के हिसाब से भी नमक डाल दें। नमक बहुत ज्यादा ना डालें, अंदाज से ठीक से डालें। नमक डाल के इसे मिक्स करें। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा खड़ा ही रखना है। आधा चम्मच डालेंगे चीनी, एक से दो मिनट इसे इसी तरह रहने दें। एक मिनट के लिए इसे ढक दें धीमी आंच पे। इसे एक बार चेक कर लें, बहुत ज्यादा ना पक जाए। ये इस तरह से पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल हल्का खड़ा रहेगा ये। अब इसमें डालेंगे एक नींबू का रस, नींबू आप अपने हिसाब से डाल लें। ये मिक्स किया हुआ बेसन, तेल डाल के जो बेसन हमने मिक्स किया था वो अब इसमें डाल देंगे। ऐसे हल्के हाथों से चलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले बेसन डालने के बाद। गैस को धीमी आंच पे रखें। इसे एक से दो मिनट इस तरह चलाएं, इसे बेसन सिक जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा। इसे चलाएं इस तरह, बेसन वाला पपीता रेडी है। गैस को बंद कर दे, थोड़ी देर इसे इसी कढ़ाई में रहने दे, 5 से 7 मिनट। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे किसी भी चीज के साथ खाएं, पराठों के साथ, रोटी के साथ। पपीता भुजी रेडी है। बेसन वाली पपीता भुजी रेडी है। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है, बहुत ही हल्की भी है।